श्री कृष्ण भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंददास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +917506337055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंददास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। तो इस रामायण में उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार है भगवान निराकार नहीं है। संसार में बड़ा झगड़ा होता है कि भगवान निराकार है। कुछ लोग कहते हैं साकार है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, वो निराकार भी है और वो साकार भी है। रामायण ने उसे बिल्कुल क्लियर किया है इस ग्रंथ में और शिव जी के मुख से। मूल तो ये शिव जी का वाक्य है। शिव जी कहते हैं वदन्ति तत्तत्विदस तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान एक है लेकिन उनके तीन फेज है। जैसे इलेक्ट्रिक सिटी एक है परंतु उसके तीन फेज होते हैं। आपके घर पर इलेक्ट्रिक सिटी जो होती है ना, उसमें तीन हॉल होते हैं। आप जब प्लग इन करते हैं तो उस प्लग में तीन हॉल होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक सिटी एक है लेकिन उसके तीन फेस होते हैं। वैसे ही भगवान एक है, उसके तीन फेस है। प्रथम फेस साकार रूप में, दूसरा फेस परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में, और तीसरा फेस है निराकार ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान निराकार ही है, और कई कोई ये भी नहीं कह सकता कि भगवान साकार ही है। ये दोनों गलत हैं। भगवान निराकार भी है और वह साकार भी है। इसे कहते हैं शुद्ध और पूर्ण ज्ञान। और इसमें से कोई भगवान को अधूरा समझे तो उसका ज्ञान भी अधूरा है। विद्वानों ने दृष्टांत से इस बात को, इस जटिल सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। किसी गांव में बहुत सालों के बाद रेल की पटड़ी बिछाई गई, लगभग गांव से 10-15 किलोमीटर दूर रेल की पटड़ी। गांव वालों ने सोचा कि कल रेल का, ट्रेन का ओपनिंग है, हमें जाकर देखना चाहिए कि ये ट्रेन होती कैसी है। गांव में किसी भी लोगों ने ट्रेन को देखा नहीं था। बोले सब लोग जाएंगे तो खेती बाड़ी सब छूट जाएगी, काम बर्बाद हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम हमारे गांव से 3 लोगों को भेजते हैं, वो देख के आएंगे कि ट्रेन कैसी होती, फिर हमको एक्सप्लेन करेंगे, हमको वर्णन करेंगे। 3 लोगों को चुना गया। 3 में से जो पहला आदमी था थोड़ा अधीर था, और अधीर होने के कारण रात को ही निकल पड़ा। रात को गया और दूर से ट्रेन को आते हुए देखा। अब रात के समय में दूर से ट्रेन आ रही तो आपको क्या दिखेगा, केवल प्रकाश, केवल लाइट ट्रेन के ऊपर। तो दूर से आदमी देखा कि बोले ट्रेन, वो वापस आया और गांव वालों ने कहा कि बोले ट्रेन कैसी है, तो उन्होंने कहा लाइट, ज्योति, ब्रह्म ज्योति। भगवान क्या है, ब्रह्म ज्योति। यह गलत नहीं है। ट्रेन क्या है, लाइट। ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है ये आंसर अधूरा है। क्योंकि ट्रेन में लाइट होती है, परंतु ट्रेन मात्र लाइट नहीं, लाइट के साथ और कुछ है। समझ में आ रहा है। मैं बहुत सरल, बहुत नीचे धरातल पे लाकर इस सिद्धांत को समझा रहा हूं। दूसरा आदमी थोड़ा सा धीर था, सुबह होने की राह देखी और गया। दूर से ट्रेन आ रही थी तो देखा कि ट्रेन में लाइट भी है और ट्रेन एक डिब्बे जैसा है, लेकिन वहीं से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा ट्रेन कैसी, तो दूसरे ने कहा कि लाइट भी है और डिब्बा है। तो ट्रेन क्या केवल लाइट और डिब्बा ही है, यह गलत नहीं है, लेकिन अभी भी अधूरा है।
तीसरा आदमी धीर था। वो गया, दूर से देखा ट्रेन में लाइट भी है, नजदीक जाकर देखा ट्रेन डिब्बे के समान भी है, और प्लेटफॉर्म पर चढ़कर ट्रेन के अंदर जाकर देखा यार इसमें तो सीट भी है, खिड़की भी है, पंखे भी हैं, बाथरूम भी है। गांव में वापस गया, गांव वालों ने कहा ट्रेन कैसी, बोले लाइट भी है, डिब्बा भी है, और सीट है, पंखे हैं, बाथरूम है, सब कुछ है। अब मैं यदि आपको प्रश्न पूछूं कि ट्रेन का अनुभव तीन लोगों ने किया, उनमें से पूर्ण अनुभव किसका? पहला लाइट वाला, डिब्बा वाला, तीसरा वाला है? ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में लोगों ने परम सत्य का अनुभव तीन रूप से किया है। जैसे ये तीन लोगों ने ट्रेन का अनुभव किया, ठीक उसी प्रकार भगवान का परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार के लोगों ने किया है। प्रथम प्रकार के जो लोग हैं, उन्होंने मात्र लाइट को देखा और भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति लाइट समझते हैं। हालांकि ट्रेन में लाइट है वो गलत नहीं है, जो निराकार मानते, जो ब्रह्म ज्योति मानते, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। इस व्यास मंच से कभी किसी को गलत निकला नहीं है और कभी माना नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो कहा जाएगा कि उनका अनुभव पूर्ण नहीं है। वो लाइट है, वो प्रकाश है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे का अनुभव क्या है? डिब्बा। तो परम सत्य का अनुभव करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि वो लाइट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा है। ये गलत नहीं है, ट्रेन डिब्बा है लेकिन मात्र डिब्बा नहीं है, डिब्बे के साथ साथ उसमें कुर्सी भी है, उसमें पंखे भी है, खिड़की भी है। यह है तीसरा अनुभव कि वो साकार भी है। तो कुल मिलाकर जैसे ट्रेन का अनुभव उस तीसरे आदमी ने पूर्ण तरीके से किया, ठीक उसी प्रकार परम सत्य भगवान का पूर्ण अनुभव क्या है? वो निराकार रूप में ब्रह्म के रूप में है, परमात्मा के रूप में वही भगवान सबके हृदय में है, और वही भगवान साकार रूप में अपने धाम वैकुंठ या साकेत में रहते हैं। श्री कृष्ण भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgobindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +917506337055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।